गाजा में हमास के नेता खलील अल हैया ने पिछले 11 दिनों से इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हुए फायर को अपनी जीत बताया है उन्होंने कहा है आज हमारी जीत हुई है हम एक साथ दो खुशी मनाएंगे एक जीत की और दूसरी ईद की सीज फायर के लागू होते ही बड़ी तादाद में फिलस्तीनी लोग गाजा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते नजर आए ये ग्यारह दिन की जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और उसमें दर्ज किया गया है इसराइल की शर्मनाक हार 11 दिनों में इसराइल ने जितनी उसकी ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल किया लेकिन इसराइल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फिलिस्तीनी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो इसराइल को दीवार से लगा सकते हैं दरअसल इसराइल की खुफिया एजेंसी के पास हमास और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत की सही इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से इसराइल को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी है इसराइल ने जैसे ही मस्जिद उलसा पर कार्रवाई करी हमास ने मोर्चा खोल दिया रॉकेटों की बारिश इसराइल पर होने लगी पहले ही दिन इसराइल के होश उड़ गए थे जराइल के पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक हमास के पास जो रॉकेट मौजूद हैं उनके बारे में बताया गया था कि वो सिर्फ दो तीन किलोमीटर की रेंज तक ही पहुंचने के लायक हैं लेकिन यहां हमास ने जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया था वो पचास किलोमीटर के अंदर तक पहुंच गए थे इसराइल का आयरन डोम पहले ही दिन बहुत सारे रॉकेट मिजाइलों को नहीं मार पाया था जो कि इसराइल के लिए काफी फिक्र वाली बात थी अगले दिन फिर हमास ने 250 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया इसराइल ने 60 जेट विमानों से यानी 60 जेट विमानों से गाजा पर गोले बरसाए दोनों तरफ से मौतें हुई लोग जख्मी हुए लेकिन मरने वाली तादाद सामने सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों की ही आई इसराइल ने अपने लोगों की मौतें और जख्मियों की खबरों को पहले दिन से ही छुपा कर रखा था दरअसल चार दिन की जंग के बाद मोसात ने इसराइल को सीक्रेट रिपोर्ट दी कि हमास के पास 6000 से ज़्यादा रॉकेट्स हैं इसके बाद इसराइल का काफ़ी टेंशन बढ़ गया फौरन फैसला ज़मीनी लड़ाई का लिया गया और उसका ऐलान भी कर दिया गया मगर ऐलान के फौरन बाद ही अमेरिका के पेंटागन से फोन नेतन्याहू को आया पेंटागन ने नेतन्याहू को ज़मीनी लड़ाई शुरू नहीं करने की सख्त हिदायत दी ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका ने बताया कि हमास के पास तकरीबन पंद्रह हजार से ज्यादा रॉकेट्स हैं, जिसमें 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की मार करने वाले भी शामिल हैं। अगर गाजा में जमीनी लड़ाई लड़ी गई तो हमास और ज्यादा हमले करेगा साथ ही जमीनी लड़ाई में भी वो भारी पड़ सकता है आपको बता दूं ये 11 दिन इसराइल के काफी मुश्किलों भरे गुजरे हैं हमला होने की सूरत में इजरायली जान बचाने के लिए बंकरों में छुपे रहते थे जबकि इसराइल के हवाई हमलों के बीच फिलस्तीनी एक लाख की तादाद में ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद अल में जमा हुए जिस वक्त इजरायली हमले हो रहे थे उस वक्त फिलस्तीनी सड़कों पर आराम से घूम रहे थे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे इस लड़ाई में इसराइल को बहुत बड़ी शिकस्त मिली है वो हथियारों की जंग हारा है वो हौसलों की जंग हारा फिलस्तीनियों का भरोसा तो ऊपर वाले पर है दूसरी तरफ हमास ने इसराइल को वार्निंग दी है कि उसके हाथ ट्रिगर से अभी हटे नहीं हैं। मतलब वो इसराइल की तरफ से किए गए किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है दोनों साइड ने 11 दिनों की लड़ाई के बाद आपसी रजामंदी से जंग खत्म करने का फैसला किया है इजरायली कैबिनेट ने आपसी सहमति और बिना शर्त के के जंग खत्म करने के फैसले पर मुहर लगा दी वैसे दोनों साइड के बीच पिछले कई दिनों से लड़ाई बंद करने के लिए इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा था पिछले वेनेसडे को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब गाजा में जारी लड़ाई में ठोस कमी आएगी जिससे सीज फायर का रास्ता निकल सकेगा दूसरी तरफ इजिप्ट कतर और यूनाइटेड नेशन ने भी इसराइल और हमास के बीच मीडिएट यानी मध्यस्था करने में अहम किरदार निभाया है मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया कि प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने जंग खत्म करवाने के लिए दो सिक्योरिटी डेलीगेशन को इसराइल और फिलस्तीनी एरिए में भेजा था आपको बता दूं कि इसराइल और हमास के बीच लड़ाई जेरूसलम में पिछले लगभग एक महीने के डिस्टरबेंस के बाद शुरू हुई थी इसकी शुरुआत ईस्ट जेरूसलम के शेख जर्रा इलाके से फिलिस्तीनी फैमिलीज को बाहर निकालने की धमकी देने के बाद शुरू हुई जिस जमीन को यहूदी अपनी जमीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हुई थी सात मई को जेरूसलम की अलक्सा मस्जिद के पास प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई अलक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों साइड के बीच झड़प होती रही है मगर सात मई दो को हुआ वायलेंस पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा संजीदा था इसके बाद तनाव बढ़ता गया और 10 मई 2021 को लड़ाई छिड़ गई हमास को इसराइल को वहां से हटाने के लिए वार्निंग देते हुए रॉकेट दागने पड़े 1967 के मिडिल ईस्ट वॉर के बाद इजराइल ने ईस्ट जेरुसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी कैपिटल अपनी राजधानी मानता है हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज का सपोर्ट नहीं करता है फिलिस्तीनी ईस्ट जेरुसलम को फ्यूचर में एक आजाद मुल्क के कैपिटल के तौर पर देखते हैं जमीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लेकर विवाद है अक्टूबर 2016 में यूनाइटेड नेशन की कल्चरल ब्रांच यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक प्रपोजल को पास करते हुए कहा था कि जेरूशलम में मौजूदा ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव कमिटी ने जो प्रपोजल पास किया था उसमें कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का पूरा हक है और यहूदियों से उसका कोई हिस्टोरिकल रिलेशनशिप यानी कोई ऐतिहासिक रिश्ता नहीं है जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते हैं लेकिन इस बार तनाव के शुरुआत की एक वजह फिलिस्तीनियों को उनके घर शेख जर्रा से हटाने की धमकी है ये पुराने शहर के दीवारों के बाहर की जगह है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं इसकी जमीन और यहां की प्रॉपर्टी पर यहूदियों ने इसराइल की अदालतों में दावा कर रखा है पर यह विवाद सिर्फ कुछ घरों को लेकर नहीं है दरअसल सालों से इसराइली सरकार जेरूशलम में यहूदियों की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर यहां टेंशन रहता है शहर के चारों तरफ यहूदियों के लिए काफी बड़ी तादाद में घर बना दिए गए हैं और कहा जाता है कि इसराइल ने ऐसा करने के लिए कई इंटरनेशनल लॉ कई इंटरनेशनल कानूनों को भी तोड़ा है हालांकि सालों से सरकार और वहां रहने वाले यहूदियों ने पुराने शहर में धीरे धीरे यहूदियों को बसाने की कोशिश करी है पिछले कुछ हफ्तों में इस, इस इलाके में इजरायली पुलिस के हथियार बंद जवानों की तादाद भी बढ़ा दी गई है रमज़ान के मौके पर अलक्सा मस्जिद में गैस और स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था मक्का और मदीने के बाद मुसलमानों के लिए सबसे पाक जगह है इसके बाद हमास ने कदम उठाते हुए इसराइल को अलक्सा मस्जिद के परिसर और शेख जर्रा से सेना हटाने का अल्टीमेटम दे दिया और फिर रॉकेट दाग दिए गए थे एक ही सरजमी की दो नस्लें जो जमीन के उस टुकड़े के लिए लड़ रही हैं, जिस पर दोनों अपना हक होने का दावा कर रहे हैं जो दोनों के ही अस्तित्व के लिए जरूरी है जो उनमें से किसी के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है लगभग छब्बीस हजार वर्ग किलोमीटर में फैले इस इजराइल इस फिलिस्तीन के लिए जितना खून बहा है जितना संघर्ष हुआ है उतना दुनिया में किसी जगह के लिए नहीं हुआ है पर अब इसे बंद होना चाहिए जय हिंद सत्यमेव जयते अल्लाह हाफिज दोस्तों हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो डब्ल्यू 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 डी आर अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडल है एट द रेट ऑफ अर्शी अजीज़ खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में